बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्ताद नासिर जी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन। ये रैशनल फ्रैक्शन ये हमारे पास क्या चीज़ है जी? एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की बात मैं बता चुका हूँ आपको, एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, जिसमें हमारे पास इक्वलिटी का साइन ना हो, कुछ टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है। ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एस ओवर डी ऑफ एस, मतलब न्योमिनेटर डिनोमिनेटर, वेयर एन ऑफ एस एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स विद रियल कॉफिशेंट। तो ये हमारे पास एन ऑफ एक्स जो है, ये हमारे पास दो पोलिनोमियल हैं। पोलिनोमियल की डेफिनेशन आप जानते होंगे, जिसमें अंदर उसके हमारे पास ऐसे पोलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव, वो हमेशा होल नंबर को बिलोंग करती है। ठीक हो गया, जब होल नंबर को बिलोंग करती है तो इसके अलावा कोई भी एक्स की डिग्री आ जाती है या नेगेटिव कोई पावर आ जाती है तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आर पॉलिनोमियल इन एक्स विद रियल कॉफिशेंट, और इनके कॉफिशेंट रियल हैं। कॉफिशेंट रियल होने से मुराद क्या है कि वो हमारे पास कम्प्लेक्स नहीं होंगे, रियल होंगे। रियल हमारे पास होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो कॉफिशेंट आप जानते हैं, तो एक्स की बेस से पहले वाला जो एलिमेंट होता है वो कॉफिशेंट होता है, इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। साथ उन्हें कह दिया कि डी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। अब इस रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल होगा वो दोनों हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होंगे। ठीक हो गया, और उनसे वो हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन बनाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा और देख लें कि एवरी फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल। जितने भी फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन होते हैं वो टू पोलिनोमियल के अंदर कोशेंट में लिखे जाते हैं। अब इससे क्या मुराद है, इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। अब देखें, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें डिग्री जो एक्स की है वो बिलोंग कर रही है टू, है ना? तो टू बिलोंग किसको कर रही है? होल नंबर को। ठीक हो गया, टू बिलोंग कर रही है डब्ल्यू को। जब टू डब्ल्यू को बिलोंग करता है, इसकी पावर नेगेटिव भी नहीं है, टू डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है ना, तो होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं जिसमें ज़ीरो वन टू अप टू सो ऑन ये सारे नाते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये भी, और नीचे वाला भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, डिनोमिनेटर के अंदर भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, तो वो दोनों हमारे पास जो सिचुएशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन। उसने क्वेश्चन का वर्ड बोला है, तो क्वेश्चन आप जानते हैं कि न्यूमिनेटर के अंदर जो होता है वो हमारे पास डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर के अंदर वो हमारे पास डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर और डिविडेंड को ऐसे हम फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन जो है उसके अंदर न्यूमिनेटर भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है। इसी तरह सेकंड में देखो तो इधर भी ये फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल, दोनों पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है। इधर भी देखें तो ये अगर फर्द करें, इधर एक्स की पावर जो माइनस वन हो जाती है तो ये पोलिनोमियल नहीं रहता। जैसे पूरे को हम कभी भी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बोलते। अब माइनस वन नहीं है, इसमें पावर वन है, मतलब होल नंबर को बिलोंग कर रही है, तो ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ये हमारे पास क्या है जी? दोनों से मिलकर हमारे पास जो बना वो है रैशनल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है जिसके अंदर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल होते हैं। और अब तक इतने काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।